जीनत जब हमारे पास आई उसके पिछले हिस्से में फ्रैक्चर था और उसके पैरों पे भी चोट लगी हुई थी। उसे किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मारी थी और उसकी हालत बहुत दर्दनाक थी, लेकिन इतने दर्द में होने के बावजूद भी वो अपने इलाज के दौरान काफी बहादुर रही। हेजल की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। जिन्होंने उसे बचाया था वो जानते थे कि अगर उसे सड़क पर छोड़ दिया तो वो नहीं बच पाएगी, और क्योंकि वो उसे अपने पास रख भी नहीं सकते थे इसलिए उन्होंने हमें उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी दे दी। जीनत की मरहम पट्टी तब तक चलती रही जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो गई, मगर हेजल काफी जल्दी अडॉप्ट हो गई। उसे एंड्रिया ने यूएस में अडॉप्ट किया। मगर फ्लाइट्स की आवाजाही ना होने के कारण उसे हम तुरंत एंड्रिया के पास नहीं भेज पाए। जीनत और हेजल की दोस्ती होने लगी। उन दोनों को एक दूसरे से बहुत लगाव हो गया। पहले ही दिन वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गई और एक साथ खेलने कूदने लगी। जब हेजल के अडॉप्टर को ये पता चला कि उसकी एक बेस्ट फ्रेंड भी है तो उसने उन दोनों को साथ में अडॉप्ट करने का फैसला किया, क्योंकि वो उन्हें अलग नहीं करना चाहती थी। यहाँ तक कि उसने उन दोनों के खेलने कूदने के लिए एक नया गार्डन भी बनाया और उनके आने का खूब बेसब्री से इंतजार करने लगी। महीनों के इंतजार के बाद जब फ्लाइट शुरू हुई तब हमने हेजल और जीनत को उनके नए घर भेज दिया। उनको अपने नए परिवार, गार्डन और जीवन से बेहद प्यार है और वो अब खूब मजे में अपनी जिंदगी जी रही है। तो ऐसा नहीं है जब हेजल और जीनत इस मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, जब एक घर का इंतजार कर रहे थे, तो गली के और कुत्ते अडॉप्ट नहीं हुए होंगे, क्योंकि अडॉप्शन का ट्रेंड अब ऊपर की ओर जा रहा है। पर फिर भी कई ब्रीडर्स ने कुत्तों को पैदा किया होगा, बेचा होगा और लोगों ने कुत्तों को खरीदा भी होगा। तो अगर चंद और लोग कुत्ते खरीदने की बजाय अडॉप्ट कर लेते तो शायद हेजल और जीनत की अडॉप्शन अपने ही देश में और भी जल्दी हो जाती। तो आइए इस अडॉप्शन के ट्रेंड को और बढ़ाते हैं। याद रखते हैं कि दोस्त आखिरकार बनाए जाते हैं, खरीदे नहीं। बहुत से लोग हमें कहते हैं कि आप ये वीडियोस YouTube पे क्यों नहीं डालते, तो हमने YouTube पे अपना चैनल बना लिया है। चैनल का लिंक है youtube.com/peoplefarm।